देखिए फ्रेंड्स, हम गुड़ का मूंगफली और तिल का लड्डू बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए मूंगफली 1/2 kg, 1/2 kg तिल, अदरक, पानी और ये गुड़ है 1/2 kg। और ये देखिए हम इसको भून लेंगे, तिल को पहले भून लेंगे। मीडियम टू हाई फ्लेम रखेंगे गैस का और इसको भून लेंगे। ये जब ब्राउन हो जाए तेल, तो थोड़ा थोड़ा डाल के भूने तो ये अच्छे से भून जाता है। ज़्यादा डालने पे अच्छे से ये भून नहीं पाता। ऐसे करके देखिए, मैं ये सारा ये भून रही हूँ तेल इतना, और ये भून रही हूँ। ऐसे करके सारा तेल भून लेना है। अब हम इसी तरह ये मूंगफली भून लेंगे। तो मूंगफली एक ही बार सारा डाल दीजिए, एक ही बार डाल देना है। इसको मीडियम फ्लेम पे भूनना है। हाई फ्लेम पे भुनने से अच्छे से भुन नहीं पाता, जल जाता है पर कच्चा ही रह जाता है, अच्छे से भुन नहीं पाता। इसलिए मीडियम फ्लेम पे भुनने और इसको चलाते रहना ताकि जले ना। तो देखिए फ्रेंड, अब इसका कलर थोड़ा चेंज हो रहा है और 2 से 3 मिनट हम इसे भूनेंगे। तो ये मैं ये 3 मिनट और भून गए। अब गैस को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका छिलका निकालेंगे। तो इसको रखते हैं ठंडा होने के लिए। तो देखिए दोस्तों, तो जब तक ये हमारा ठंडा होगा मूंगफली, तब तक हम गुड़ की चाशनी बना लेते हैं लड्डू के लिए। तो ये डालेंगे पानी, ओके, और ये गुड़। तो गुड़ को डालेंगे, सारा गुड़ डाल देंगे। सारा गुड़ डाल दिए और ये धीरे धीरे मेल्ट हो जाएगा। आंच को मीडियम रखें, गैस को मीडियम पे रखें। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारी चाशनी अभी मेल्ट हो जाएगा, सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा कुछ देर में। गुड़ मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें अदरक डाल देंगे। अदरक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है लड्डू में। ये अदरक डाल देंगे, और इसको अब
पकने देंगे मीडियम फ्लेम पे, इसको पकने देंगे। तो देखिए फ्रेंड ये ठंडा हो गया है, अब इसको ऐसे मसल मसल के इसका सारा छिलका निकाल देंगे हम। देखिए ऐसे मसल मसल के सारा छिलका निकाल देंगे। इसका छिलका निकाल दी मैं, साफ कर दी। अब तिल भी इसी में डाल देंगे। अब ये दोनों मिक्स कर देंगे, दोनों को मिक्स कर देंगे। चलिए फ्रेंड देखते हैं ये हो गया कि नहीं चाशनी हमारा। तो इसके लिए हम इसको पहचानने के लिए, बहुत आसान तरीका है पहचानना, एक थोड़ा सा हाथ में लगा लेंगे। देखिए और ये ऐसे करेंगे, एक तार जैसा अगर हो रहा है तो ये हो चुका है, पर अभी नहीं हो रहा है तो ये अभी नहीं हुआ है। एक और तरीका है पहचानने का, पानी ले लेंगे, पानी में हम इसे दो बंद, अगर ये फैल गया तो अभी नहीं हुआ है, अगर इकट्ठा ही रहता है तो चाशनी हो गई। तो अभी थोड़ा फैला हुआ है तो अभी नहीं हुआ है, और दो मिनट पकाते हैं। दो मिनट हो गया, अब देखते हैं कि ये हुआ है या नहीं, से एक बार चेक करेंगे। बहुत आसान है इसको पहचानना। देखिए तो ये देखिए ये इकट्ठा ही रह जा रहा है, तो ये चाशनी अब हमारी तैयार है। अब तो फ्रेंड अब हम चाशनी को डालेंगे इस पे। अब ऐसे इसको मिला देंगे, ऐसे मिलाएंगे इसे। इसको अच्छे से सारा मिलाएंगे। अब इसको इसका गुड़ बनाएंगे। तो देखिए हाथ में हल्का सा पानी लगाएंगे, ऐसे हल्का सा पानी लगा के ये थोड़ा थोड़ा उठाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे।
लड्डू बनाएंगे। आप जैसा साइज देना चाहें, बड़ा छोटा, आप अपने हिसाब से देखिए, ऐसे बनाएंगे। बहुत अच्छा दिए ये। वैसे ही हम सारा लड्डू बना लेंगे। ऐसे ही सारा लड्डू को बना लेना है। तो देखिए फ्रेंड, ये तिल का लड्डू बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।